Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Commerce and Management. और आज हम बात करने वाले हैं कुछ important research aptitude questions के बारे में. उन्हें हम समझेंगे, देखेंगे कि किस type के questions आ रहे हैं आजकल UGC NET के exam में. But questions को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ आपको enlighten करना चाहता हूँ research aptitude के बारे में. So, अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में कुछ बेसिक फॉर्म में समझना चाहें तो एप्टीट्यूड होता क्या है स्टूडेंट्स. एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी एबिलिटी किसी चीज को सीखने की या फिर लर्न करने की. सो जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि आप रिसर्च को कितनी अच्छी तरीके से समझते हैं, कितनी आसानी से आप रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च को सीख पाएंगे. सो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्वेरीज आती हैं कि सर हमें रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी एंड या फिर आप ट्रिक कह सकते हैं जो आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप सारे रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. और उसका सबसे बेसिक तरीका यह है कि आप जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक्स रिसर्च एप्टीट्यूड के पढ़ रहे हैं उसमें आप हर बार जब भी वो क्वेश्चन पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक समझते हैं तो उसमें अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन. सो अगर आप ये तीन क्वेश्चंस पूछते हैं, आप अपने आप में ये क्यूरियोसिटी जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो दिमाग होगा, आपका जो माइंडसेट होगा वो इन सारे टॉपिक्स पे एनालिटिकल तरीके से सोचने लगेगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें या प्रोसेस ऑफ रिसर्च की बात करें तो वो सारे स्टेप्स क्यों हैं. तो अगर आप इस क्यों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो ये मेरी सजेशन है आपको कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक एक ऑप्शन भी इवैल्यूएट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और साथ ही साथ उन सारे टॉपिक्स के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ. What are the features of a good research? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से दिए गए कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बताते हैं कि आपकी रिसर्च अच्छी है. एक बार सारे टर्म्स एंड ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है फ्यूचर में तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाए. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए कहता है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब आप बिल्कुल प्रॉपरली इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई भी सब्जेक्टिविटी या पर्सनल बायस नहीं है. प्रिसाइज मतलब बहुत ही क्रिस्प है, शॉर्ट एंड क्लियर है. नेक्स्ट क्लियर, जैसे कि अभी हमने कहा कि जितनी ज़्यादा आपकी रिसर्च क्लियर होगी, जितनी ज़्यादा कंसाइज होगी उतना ही आसान होगा आपको समझने में. नेक्स्ट फीचर देखते हैं एथिकल. एथिकल का मतलब होता है कि आपने कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करी हैं. अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है अपने में तो वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसमें आपने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करी है. सो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट फिर भी हम सारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं. ऑप्शन बी देखते हैं सब्जेक्टिव. जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि आप किसी भी एग्जाम्पल में किसी टाइप की भी रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसमें किसी भी फॉर्म का पर्सनल बायस इन्वॉल्व है या उसमें मैं किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन कर रहा हूँ या उसमें मेरा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो जो रिसर्च होगी वो अच्छी रिसर्च नहीं कहलाती है क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट आ गया. सेकेंड लेंदी. बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा अगर लेंदी है, बहुत ज़्यादा अगर आपने उसे मोनोटोनस बना दिया है, बहुत ज़्यादा डीपली उसे लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो भी उसे उसमें क्लैरिटी नहीं आती बिकॉज जो भी आपके रिसर्च वर्क को पढ़ रहा है, जो भी आपके रिसर्च आर्टिकल को पढ़ रहा है वो डिटेल में तो ज़रूर पढ़ना चाहता है बट वो चाहता है कि आप उसे सबसे सिंपल और कंसाइज फॉर्म में समझा सके. सो लेंदी भी, बहुत ज़्यादा लेंदी भी रिसर्च रिपोर्ट्स एंड रिसर्च आर्टिकल्स को अच्छा नहीं माना जाता. आगे चलते हैं एथिकल, ये फीचर ठीक है. एंड द फोर्थ फीचर इज रैंडम. कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होनी चाहिए आपके रिसर्च में. आप एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करते हैं तभी एक अच्छी रिसर्च मानी जाती है. सी ऑप्शन देखते हैं ऑब्जेक्टिव. ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, फीचर ठीक है, ये क्लियर भी होनी चाहिए बट रैंडम नहीं होनी चाहिए तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. डी ऑप्शन देखते हैं सब्जेक्टिव. सिंस आपकी रिसर्च यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए इसलिए ये पॉइंट गलत है. शॉर्ट ये भी स्टेटमेंट ठीक है और प्रिसाइज ये भी टर्म होना चाहिए. सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी सी डी में कोई ना कोई एक ऐसा फीचर दिया गया है जो हमारी रिसर्च को अच्छा नहीं बनाता, तो जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ अ जर्नल कैन बी मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग.
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। कई बार मुझे कई सारे स्टूडेंट से कॉल आती रहती है कि सर, हम अपने पेपर को इस पर्टिकुलर जर्नल में भेज रहे हैं, तो हम कैसे इवैल्यूएट करें कि वो जर्नल अच्छा है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये आता है कि आप क्या एक ऐसी चीज़ देखेंगे या क्या ऐसी चीज़ मेजर करेंगे जिससे आपको पता चल सकता है कि वो जर्नल अच्छा है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप किसी भी जर्नल में जब पेपर पब्लिश कराते हैं तो उस जर्नल को काफ़ी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, और अगर वो जर्नल अच्छा है, अगर आपका रिसर्च पेपर जो भी आपने उसमें पब्लिश किया है अगर वो अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा जो फ्यूचर में लिटरेचर रिव्यू होने वाला है या जो अदर रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करने वाले हैं वो उसमें आपके पेपर्स को साइट करेंगे। सो जैसे ऐसे आपके पेपर साइट होते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बार साइट होंगे, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइटेशन, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रिसर्च मानी जाएगी। तो ये एक जनरल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल रिसर्च का क्वेश्चन है, और पर्सनली भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ को जानने में कि आप कैसे जनरल को इवैल्यूएट करें। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस गिवन है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पैक्ट फैक्टर। अब अगर आपको ये टर्म का मतलब ही नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर का मतलब होता है कि एवरेजली जो उस पर्टिकुलर जर्नल में पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, उनकी एवरेज साइटेशंस कितनी है। और साइटेशंस का मतलब होता है कि वो कितनी बार अदर जर्नल्स में, अदर रिसर्च पेपर्स में यूज हुए हुए हैं। सो इसका मतलब होता है इम्पैक्ट फैक्टर। अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, जैसे आपने कई बार जर्नल्स खोले और उस पर देखते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर इज 2.01 या आपने देखा होगा 0.82 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसका, उस जर्नल की एवरेज साइटेशन पर पेपर इज 0.82, मतलब इतनी बार वो प्रॉपरली साइट हुआ है। सो इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो जर्नल कैसा है, और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा जर्नल माना जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो सकता है, बट फिर भी हम एक बार बाकी टर्म्स देख लेते हैं। एपीआई स्कोर, आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट चल रही है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, सो इसमें भी आपने कई बार एपीआई स्कोर का जिक्र सुना होगा न्यूज़ में। सो एपीआई स्कोर होता है हमारा अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो बेसिकली ये स्कोर मेजर करता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है या फिर आपकी रिसर्च वर्क कैसा रहा है, और उसके बेसिस पे हम एक बेंचमार्किंग बना लेते हैं कि ऑल दो स्टूडेंट्स या ऑल दो प्रोस्पेक्टिव लेक्चरर्स जिनका एपीआई स्कोर बहुत अच्छा है उनको हम उस बेसिस पे रिक्रूट करेंगे। तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर में लेक्चरर बनने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा काम भी करना होगा अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, ताकि आप अपनी स्कोरिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कर पाए। सी ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश पर ईयर। जी नहीं, ये कोई सही क्राइटेरिया नहीं है क्वालिटी इवैल्यूएट करने का। फोर्थ, एज ऑफ द जर्नल। एज ऑफ द जर्नल का मतलब होता है कि कितना पुराना है जर्नल, ये भी एक सूटेबल तरीका नहीं है क्वालिटी ऑफ जर्नल को मेजर करने का। तो जो सबसे बेस्ट एंड ऑप्टिमल तरीका है वो है इम्पैक्ट फैक्टर, कि आप ये देख लें कि उस जर्नल के एवरेज पेपर्स की साइटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। X wants to study the impact of poverty on the number of low life expectancy. So ये देखना चाहते हैं, impact समझना चाहते हैं कि poverty का impact क्या होता है लोगों की कम या फिर लोगों की life expectancy पे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है question. Based on the literature review, he believes that the presence of some variable causing a link between poverty and low life expectancy is missing या फिर वो रह गया है। The variable is known as, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आपसे वो पूछ रहा है कि एक इंसान है एक्स जो मेजर करना चाहता है पॉवर्टी का इम्पैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे। अब ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो उन्हें लग रहा है जो लिंकेज बनाता है पॉवर्टी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में, बट वो मिसिंग है, और उस वेरिएबल को क्या कहते हैं। तो बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो एक बार ऑप्शंस देखते हैं एंड साथ ही साथ सारे वेरिएबल्स का मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हमें पता है कि जो भी वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप कितने पुअर हैं या पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है आपके। तो यहाँ पे जो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जो पॉवर्टी हो जाएगी वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक बार हम लिख लेते हैं दैट पॉवर्टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन आर केस, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होता है और जिसके कॉज, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट पड़ता है। सी देख लेते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जब आप किसी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे अदर वेरिएबल्स होते हैं जिनका उन पे इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में हम पॉवर्टी का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर,
तो यहाँ पे हमें काफी सारे अदर फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज द इनकम ऑफ द पर्सन, द लाइफ स्टाइल, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो भी इम्पैक्ट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। तो जब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उन वेरिएबल का इम्पैक्ट देखें जिनका हम एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट ये देखना चाहते हैं कि पॉवर्टी का क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर, तो हम उन वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लेते हैं। सो ये कंट्रोल वेरिएबल्स कहलाता है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो एक कॉजल लिंक एस्टैब्लिश करते हैं बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहां हमारे केस में अगर हम पॉवर्टी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, सो पॉवर्टी डायरेक्टली लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंपैक्ट नहीं करता है, रादर पॉवर्टी के बीच में एक लिंकिंग पिन है या आप कह सकते हैं एक लिंकिंग वेरिएबल है जिसका नाम है एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सो पॉवर्टी की वजह से आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं ले पाते, और अगर आप प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। सो ये इसका लिंकिंग पिन है, ये एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, इसलिए इसे इंटरवेनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। सो आप एक दूसरा नाम भी समझ सकते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज मीडिएटिंग वेरिएबल। और इसे मीडिएटिंग वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये बीच में एज अ मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहा है और एस्टैब्लिश कर रहा है एक कॉजल लिंक बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे हमारा जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आई होप कि ये जो नए वेरिएबल्स के टाइप्स हमने पढ़े हैं, इंटरवेरिंग वेरिएबल्स एंड कंट्रोल वेरिएबल्स स्पेशली, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट डू वी कॉल इफ वन ऑफ द वेरिएबल गोज हाई एंड वन गोज डाउन और द मूवमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कई बार आप देखते हैं कि अगर हमने दो वेरिएबल्स या कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से कि आपने दो स्टॉक्स खरीदे हैं, दैट इज ए एंड बी, और किसी सिचुएशन में जब ए का प्राइस बढ़ रहा है तो बी का प्राइस गिर रहा है, मतलब दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप को या इस टाइप ऑफ कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। क्या वो सिंपल कोरिलेशन है जहां पर सिर्फ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं? बी नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है स्टूडेंट्स जब दो वेरिएबल्स या दो सेट ऑफ वेरिएबल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर हो सकता है सी, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है स्टूडेंट्स जब दोनों जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज ए भी बढ़ रहा है एंड बी भी बढ़ रहा है किसी सिचुएशन में, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। एंड डी इज रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है कि जब हम एक वेरिएबल का इंपैक्ट दूसरे वेरिएबल पे देख रहे होते हैं, दैट इज यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन, बिकॉज जो दो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो रिसर्च प्रोसेस से पूछा गया है। नाउ स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोसेस है वो सिर्फ एकेडमिकली आपको यूजफुल नहीं है, रादर जो रिसर्च प्रोसेस है वो आपको ये भी सिखाता है कि आपको एक्चुअल रिसर्च करनी कैसे है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स हैं वो फ्यूचर में रिसर्च जरूर करने वाले हैं, तो ये प्रोसेस भी उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आइए ऑप्शंस देखते हैं। सैम्पलिंग, रिसर्च रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ यहाँ पे अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं कि जब भी आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाती है या आप किसी टॉपिक पे काम कर लेना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये होता है कि लेट अस से कि आप किसी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, लेट अस से IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, तो इस टॉपिक में आज तक जो भी काम हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चले कि रिसर्च गैप क्या एग्जिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ताकि हम रिसर्च गैप एस्टैब्लिश कर पाए। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। एक बार जब हमने रिसर्च गैप एस्टैब्लिश कर लिया है तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें हम बताएंगे कि हम क्या अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं या क्या चीज ऐसी है जो हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं या फिर टेस्ट करना चाहते हैं। एक बार जब हमने हाइपोथेसिस बना ली तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सैम्पलिंग, जहां पे हम सैंपल्स देखेंगे कि हम कौन से सैंपल्स हमें कलेक्ट करने हैं, सो दैट विल बी द थर्ड स्टेप। नेक्स्ट, एक बार आपने सैंपल्स चूज कर लिया, सैम्पलिंग टेक्निक चूज कर ली कि आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो आप चूज करते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस टाइप का डेटा आपको कलेक्ट करना है, कहां से डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या सोर्सेज ऑफ डेटा होंगे, ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई करते हैं।
एक बार आपने डेटा कलेक्शन कर लिया तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करके जो भी आप टेस्ट यूज करना चाहते हैं, जो भी आप टेक्निक्स यूज करना चाहते हैं, उनका यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं। और एक बार जब आपने डेटा को एनालाइज कर लिया है तो उसके बाद हम एक रिसर्च आर्टिकल या एक रिसर्च रिपोर्ट के फॉर्म में कॉन्क्लूजन को लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है, ये प्रॉपर स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस की, और ये आपको इतनी थॉरली याद हो जाना चाहिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक नेट एग्जाम के पर्पज से नहीं, बल्कि अगर आप बाद में किसी रिसर्च इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं अपनी एमफिल पीएचडी के लिए, तो भी ये रिसर्च प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो क्लियरली हमें स्टेप्स मिल गए हैं, और यहाँ अगर हम ऑप्शंस मैच करें तो हम देख सकते हैं कि बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो हमने आज ये रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चंस किए हैं, जो रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, सिर्फ नेट जीआरएफ एग्जाम को क्रैक करने के लिए नहीं, बल्कि आपके एमफिल पीएचडी इंटरव्यू के लिए भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सो आप बेल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक डाला हुआ है, जिसमें हम रेगुलरली क्विज कराते रहते हैं और साथ ही साथ पीडीएफ एंड वीडियो मटेरियल भी शेयर करना करते रहते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाके। आप ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे लिंक भी देख सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।